हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसके अंदर दमदार रिटर्न इस समय निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर 152% तक के रिटर्न, 1 महीने के अंदर 99% तक के रिटर्न, और अगर आपको दिखाऊँ 1 साल के अंदर तो आप देखेंगे 213% के रिटर्न। इस शेयर के अंदर इतनी स्पीड कैसे है, इतने रिटर्न कैसे निकलते हुए आ रहे हैं, और ऐसा कौन सा शेयर है ये जिसके लिए हम भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बात करूंगा अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊंगा और क्या इसका फ्यूचर प्लान है, कैसे आप इस शेयर के अंदर और दमदार रिटर्न देख सकते हैं आने वाले टाइम में, उसके बारे में भी बताऊंगा, और क्या दमखम इस शेयर का है, और किस हिसाब से ये शेयर इस समय परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है, और क्यों ये शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से जो टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक तरीके से जो कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, हम सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको मोटे मोटे तौर पर ये समझ आ जाएगा कि कैसे इंडिया की ग्रोथ जैसे जैसे होनी है वैसे वैसे इस कंपनी की ग्रोथ उसके साथ पैरेलली होनी है। जी हाँ जी, जैसे जैसे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पूरे के पूरे इंडिया का बिजनेस ग्रो करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रो करेगा, इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ उसी हिसाब से करेगा। यानी कि कंपनी काम करती है लॉजिस्टिक्स के अंदर, और लॉजिस्टिक्स के अंदर एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। यानी कि अगर आपको माल यहाँ से दिल्ली से मुंबई भेजना है, मुंबई से गुजरात भेजना है, कहीं पर भी भेजना है, या फिर आपको इंटरनेशनली बाहर भेजना है, तो कंपनी दिल्ली से लेकर के सीधा दुबई में माल को उतारेगी, चाहे उसके लिए उसको कितने भी, यानी कि एक बंदे को, यानी कि मुझे अगर कोई अपना प्रोडक्ट भेजना है तो कंपनी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, और एक बिजनेसमैन को एंड टू एंड सर्विस ही चाहिए ताकि उसका माल सिक्योरिटी के साथ जहाँ से उसने पेमेंट लेकर माल भेजना है वहाँ पर आराम से पहुँच जाए। तो कंपनी यही एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर, और इसीलिए इस समय जिसकी डिमांड है और वो है लॉजिस्टिक के अंदर। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर तो डेफिनेटली ऐसे शेयर के अंदर आपको रिटर्न मिलते हुए गारंटीड दिखाई देंगे। इस समय जो सिनेरियो पूरे के पूरे वर्ल्ड में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहां लॉजिस्टिक्स का पूरा बिजनेस डगमगाया हुआ है, वहीं ये कंपनी इतना बढ़िया तरीके से रिटर्न देते हुए एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और वहाँ आप देखेंगे बढ़िया रिटर्न के साथ एक अच्छी खासी इंडिया की पूरी की पूरी ग्रोथ इस कंपनी के भरोसे पर टिकी हुई है। और इस तरह की इतनी सारी कंपनियाँ हैं वहाँ पर, ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न निकालती हुई नज़र आएगी। तो ये कंपनी की वेबसाइट है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कार्गो सिस्टम दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडिंग। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स है यहाँ से वहाँ भेजना है, वहाँ से वहाँ भेजना है, यानी कि आप ये समझ जाइएगा एयरपोर्ट के थ्रू भेजना हो, एयरलाइन के थ्रू भेजना हो, कार्गो के थ्रू भेजना हो, शिपमेंट के थ्रू भेजना हो, कैसे भी हो, लॉजिस्टिक होता है, और कंपनी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है इस सेक्टर के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी शिपिंग का पूरा काम कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है, और यही रीज़न है कि इस समय कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से भागती हुई नज़र आ रही है लॉजिस्टिक्स के अंदर, एंड टू एंड जो सर्विस इस समय प्रोवाइड हो रही है पूरी पूरी ग्लोबल के अंदर। तो यहाँ पर हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। सिंस लॉजिस्टिक फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आर एवरीडे लाइफ्स। यानी कि कुछ भी चाहिए, किसी भी तरह का बिजनेस करना है तो आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और गुड्स एक जगह से बनने के बाद फिर आपको उसको सेल करना है दूसरी जगह पर, तो इसमें पूरा का पूरा चेन शामिल होती है, जो बनाता है ऑनर, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद बिचौलिया जो दूसरी जगह एक बार माल लेता है फिर दूसरी जगह देता है, यानी कि एक रिसीवर होता है, एक एंड यूज़र होता है, और उसके बाद एक प्रोड्यूसर होता है। इन सब के बीच में जो मेजर रोल प्ले करता है वो है लॉजिस्टिक्स। जी हाँ जी, और वही लॉजिस्टिक्स इस समय काफ़ी बढ़िया तरीके से नंबर के साथ आपको दिखाई दे रहा है। 8 मिलियन शिपमेंट्स हैं, 1100 से ज़्यादा डेस्टिनेशन पर इन्होंने माल पहुँचाया है,
इनकी जो वर्क फोर्स है, देखिए वर्क फोर्स सबसे कम है 489। जी हाँ जी, यही सबसे बड़ा रीज़न है। पैन इंडिया के अंदर ऑफिस हैं, 19 ऑफिसेस हैं इंडिया के अंदर, वहाँ से ये काम अपना करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे आप किसी भी तरह का DTDC का ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, आपको इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ नज़र ज़रूर आएगी। तो ये इनके एक आर की सेक्टर्स हैं, जूट एंड टेक्सटाइल के अंदर, गारमेंट्स के अंदर, फार्मा के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यानी कि डायरेक्ट माल उठता है उसके बाद जाता है, ऑटोमोबाइल का भी माल कहीं से बनता है तो आता है, डाई का, केमिकल्स का माल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, यानी कि कंपनी पूरे के पूरे किसी भी सेक्टर में ले लीजिएगा, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिएगा जी, अगर ट्रेन भी इंडिया के अंदर कहीं से बाहर से बन के आ रही है तो भी लॉजिस्टिक के थ्रू ही आएगी। यानी कि एक जो रूट होता है ना, अगर आपको माल कहीं से मंगवाना है तो भी कोई ना कोई देने आएगा, उसी को लॉजिस्टिक बोलते हैं। पूरे के पूरे सिस्टम को जो मैनेज करता है लॉजिस्टिक के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाली। यानी कि ये सेक्टर ऐसा है जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ऑलवेज हमेशा रहेगा, और यही रीज़न है कि ये कंपनी और इस तरह की जितनी भी कंपनियाँ हैं जो बेसिक नीड वाली कंपनियाँ हैं, अगर आपको सवेरे दूध पीना है तो बच्चे के लिए दूध लेकर आना ही पड़ेगा। अब गाँव से दूध चलकर आता है, और कैसे आता है ये आप सभी जानते हैं, वो भी लॉजिस्टिक के थ्रू। जी हाँ जी, एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा इंफ्रा डेवलप होता है, फ्रिज गाड़ी होती है, उसके अंदर दूध आता है, फिर वो फैक्ट्री जाता है, वहाँ प्योर और क्योर होता है, देन फिर आपके पास पैकेजिंग के अंदर दूध आता है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर का काम आपको इस समय होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेजेंस के साथ एवरी कार्गो जनरेटिंग सेंटर मैन्ड बाय दी, तो इस तरह से ये कंपनी की छोटी सी यहाँ पर आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। लगभग फ्रॉम अ हम्बल स्टार्ट फ्रॉम फार ईस्ट एंड गल्फ इन 1994, तो आप बेसिकली आप समझ लीजिएगा कि सारा का सारा माल और जो चीज़ें हैं हमने गल्फ़ से स्टार्ट की, और फिर धीरे 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 चीज़ें बड़ी होती गई, और आज की डेट में पूरी की पूरी दुनिया के अंदर माल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इधर से उधर होना वो कार्गो के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। और यही रीज़न है कि इस सेक्टर के अंदर भरसक इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आपको आने वाले टाइम में ये पूरा का पूरा सेक्टर चमकता हुआ दिखाई देगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन काम की होगी, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए कि आपका गाड़ी कमाई वाला पैसा कहीं गलत जगह ना लग जाए। जी हाँ जी, इसीलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को। आप जब तक समझेंगे नहीं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की और कैसे ग्रो कर रही है, तब तक पैसा इन्वेस्ट करना बेकार है। जी हाँ जी, तो कंपनी किस हिसाब से है और क्या करती है वो आपको समझ आ गया है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 241 की है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है इस समय, और 40 रुपये का ऑलमोस्ट लो है, और वहाँ से ये कंपनी 169 का हाई बनाती है, और इस समय अपने हाई पर है, यानी कि कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और ये रीज़न है कि कंपनी का जो चार्ट इस समय नज़र आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने टाइम दिया था एक अच्छा खासा माल भरने का, और वो टाइम था 57-58 के करीब जून के महीने में, और फिर पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा है। जी हाँ जी, और वहाँ से कंपनी कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया तरीके से भागती हुई नज़र आ रही है। इस समय अगर आप देखेंगे तो जो रिटर्न इस कंपनी से निकलते हुए नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। पिछले 3-4 क्वार्टर से आप देखेंगे कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकलती हुई नज़र आ रही है, 2.18 से 2.67, 2.97, 3.39, 3.78 ये इसका नेट प्रॉफिट है। और इस नेट प्रॉफिट के अंदर जो इस समय मजबूती है, डेफिनेटली कंपनी सिंगल डिजिट में अपना नेट प्रॉफिट बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जल्दी आपको दिखाई देगा ये बहुत लंबी ग्रोथ के साथ भागता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट ईयरली बाई ईयर कंपनी करने की कोशिश करेंगे तो पिछले 3 साल में एक अच्छी खासी लॉटरी लगती हुई नज़र आ रही है। कंपनी एक लंबे टाइम से सिंगल डिजिट में अपना नेट प्रॉफिट निकाल रही थी, और आज की डेट में
ये 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती हुई दिखाई दे रही है एक साल के अंदर। इससे पहले प्रीवियस ईयर में 11 का और उससे पहले 2 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट निकाला है। और अब जो स्पीड इस समय शेयर के अंदर है वो देखने लायक है, यानी कि लंबी रेस का जो ये घोड़ा है और लंबी इस समय रेस चलनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया को 5 ट्रिलियन तक पहुंचना है, उसके लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए इस कंपनी को काम करना पड़ेगा, और कंपनी तो काम कर ही रही है। तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपके पैसों के लिए, आपके शेयर के लिए इस समय बनी हुई है, क्योंकि कंडीशन, एटमॉस्फेयर, ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली जो इस समय रास्ते ओपन हैं उससे इस शेयर का भागना तय है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली जैसे ही अपडेट होगा मैं इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब नहीं है तो नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये हमेशा हर कंपनी का होता ही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ग्रोथ पोटेंशियल, किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, और जो ग्रोथ इस समय इस शेयर के अंदर बनी हुई है वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ़ है जिस हिसाब से ये शेयर भाग रहा है।